नमस्कार किसान दोस्तों, मैं नवीन सिंधु आपका दोबारा स्वागत करता हूं हमारे चैनल अमर तत्व प्राइवेट लिमिटेड में। और हमारी कंपनी का नाम भी अमर तत्व प्राइवेट एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है। जैसे कि आज मैं आपके सामने आया हूं दोबारा रूबरू होने, तो आज हम आपको कोडिसेप्स मिलिट्रीज के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। साथ में इसको आपको ड्राई कैसे किया जाता है, कैसे ड्राई करके इसको पैक किया जाता है वो बताएंगे, और कुछ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी देंगे कि कोडिसेप्स मिलिट्रीज क्या है। कोडिसेप्स मिलिट्रीज का हिंदी में नाम कीड़ा जड़ी है। कीड़ा जड़ी एक लुप्त हुई जो कि लुप्त हो रही है स्लोली स्लोली, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि लुप्त होती जा रही है इसके अंदर, जो हमारे हिमालय पे पाई जाती है, तो उसी का सब्स्टिट्यूट है जिसको साइनेसिस कहते हैं, उसी का सब्स्टिट्यूट है मिलिट्रीज। वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है, तो इसको हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसको उगा सकते हैं लैब में। कीड़ा जड़ी की अगर बेनिफिट की बात करें तो हम घुटने के दर्द से लेकर कैंसर, शुगर, एड्स, इन सारी की सारी बीमारियों में ये आपको आराम देता है। ये कोई दवाई नहीं है, ये एक सुपर फूड है, एक न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी में जाके उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है और उसको अंदर ही अंदर स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देता है। तो कोडिसेप्स मिलिट्रीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं कि क्या है कीड़ा जड़ी। कीड़ा जड़ी के मोटे मोटे फायदे शुगर के अंदर होता है कि आपको। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कोडिसेप्स मिलिट्रीज को हम ड्राई करते हैं लैब के अंदर। जो हमारी न्यू क्रॉप है जो हमने हार्वेस्ट की है, उस न्यू क्रॉप को आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लैब के अंदर इसको वो करते हैं, ड्राई करते हैं ड्रायर के अंदर। अब आपको दिखाएंगे न्यू क्रॉप। सबसे पहले हमने अपने शूज निकालने हैं यहाँ पे जो हमने पहने हुए हैं। आप दूसरे पे डालोगे, ये हमारी लैब है, ये आप मास्क जो है मास्क लगाएंगे हम अपना, ये हेयर नेट है, ये हेयर नेट सिर पे लगाएंगे। उसके बाद अब हम आपको लैब के अंदर एंट्री करवा रहे हैं कोडिसेप्स के बारे में। जो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि सर हमें आप कोडिसेप्स के बारे में बताओ कैसे इसको ड्राई करते हैं, ये हमने यहाँ पे इसकी ये ट्रे रखी हुई है जिसके अंदर हम उसको ड्राई करके, जो फ्रेश क्रॉप है कुछ बचेगा तो वो इसमें रखेंगे, उस क्रॉप को कैसे हमने निकालना है। अब ये देखो, ये ड्रायर है, इसके अंदर हमने अपना जो कोडिसेप्स मिलिट्रीज है उसको ड्राई किया हुआ है। आज हम इसको करीबन 8 घंटे पहले इसको हम ऑन करके छोड़ के गए थे, और अब हम इसमें देखेंगे कि किस हिसाब अभी उनका क्या कंडीशन है, वो ड्राई हुए नहीं हुए। 85% हम इसको ड्राई करते हैं। ये भी इसी की ट्रे है, आप चाहे जो मर्जी ट्रे यूज कर सकते हैं। हमने 3 और 4 टाइप की ट्रेज बनाई हुई है अपनी। देखें, एक तो ये जाली वाली है, अगर जब बिल्कुल गीला होता है तो इसके अंदर ड्राई करते हैं बिल्कुल, और हल्का फुल्का ड्राई हो तो आप दूसरी ट्रे यूज़ कर सकते हैं। हमने जाली वाली की हुई है, उसके अंदर क्या है कि जाली वाली के अंदर ईजीली ये करता है। सबसे पहले हम अपना स्विच ऑफ करेंगे, अब हम इसको खोलेंगे। ये देखिए, हमने जो ट्रे अपनी बनवाई है वो स्पेशली ये जाली इस हिसाब की बनवाई है, ताकि क्या है कि इसमें से प्रॉपर जो ये हॉट एयर टोटल सबके अंदर पास हो जाए। अब हम इसको क्या करेंगे, स्लोली स्लोली, क्योंकि ये थोड़ी हॉट है, गर्म है, तो इसके लिए हम दूसरे ग्लव्स यूज़ करेंगे, जो कि इसके अंदर जो ग्लव्स यूज़ होते हैं हेट और हॉट एयर ओवन के लिए, आपने ये वाले ग्लव्स यूज़ करने हैं। ये इसके ग्लास हैं, एम्प्टी ग्लास हैं, आपने ये ग्लव्स पहनने हैं। इससे क्या है कि ट्रे जो आपकी हॉट है वो ट्रे आपके हाथ को बर्न नहीं करेगी, तो आपने थोड़ा केयरफुली इसको वो करना है, मेंटेन करना है। अब हम 1 by 1 इसको निकालेंगे, आप देखेंगे कि ये प्रॉपर ड्राई हो चुका है। जो भी कोडिसेप्स था, ये अभी लेटेस्ट क्रॉप है हमारी, तो ये प्रॉपर ड्राई हो चुका है। इसको हम इस ट्रे के अंदर आराम से इस ट्रे में निकालेंगे।
अगर इस दौरान मान लो कि थोड़ा बहुत नीचे गिर जाता है तो आपने उसको उठाना नहीं है, इसमें हाइजीन का पूरा ध्यान रखना होता है। अभी ये ट्रे जो ये इसकी जाली देख रहे हो, इस जाली का क्या फ़ायदा है कि ये ऊपर से नीचे तक सेम सबको वो करती है, ड्राई करती है। अब ये प्रॉपर सूख चुकी है, ये देखिए इसमें जो है ये प्रॉपर ड्राई हो चुकी है। इसी तरीके से हम वन बाय वन करके सारी की सारी ट्रेस को यहाँ ले आएंगे। और इसके अंदर इसको खाली करेंगे। अपने हैंड से आप आराम से इसको सारी की सारी को इसमें से निकाल सकते हैं। ये थर्ड ट्रे है, अब हम इस प्लास्टिक का यूज़ करेंगे जार का, क्योंकि ये भर चुका है, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा इसमें रखने के बाद। उसके बाद आप इसमें जहाँ इसको एयर टाइट कोई भी कंटेनर, आप एयर टाइट कंटेनर इसको यूज़ कर सकते हैं इसको खाली करने के लिए। देखिए कोई भी एयर टाइट कंटेनर आप इसके लिए यूज़ कर लें, जिसमें आप इसको ढक्कन लगा के प्रॉपर तरीके से एयर टाइट करेंगे। इस तरीके से हम इसको खाली कर देंगे यहाँ से और इसको एयर टाइट कर देंगे। एयर टाइट करने के बाद ये 5 ईयर तक हमारा ख़राब नहीं होगा। इसी तरीके से आप इसको ड्राई करोगे वन बाय वन। अभी जो हमारे पास बची हुई है देखिए, ये भी बची है, इसको भी सेम प्रोसेस है हमारा। आप ऐसे ही इसको करेंगे, वन बाय वन। इसमें करीबन करीबन आप एक बारी में 2 किलो तक, 2 kg मिलिट्रीज को आप ड्राई कर सकते हैं। जो ये वाला है, ये देखिए आप इसके अंदर पीछे फैन लगा है जो कि हेट हॉट एयर यहाँ से पास करता है। प्रॉपर ये स्टील का बना हुआ है, स्टील का। यूज़ करने से पहले आपको इसको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करना है, उसके बाद ही आपने इसको यूज़ करना है। तो अब आगे हम इसके बेनिफिट्स बताएंगे आपको कोडिसेप्स के, और कैसे इसको पैक करते हैं अभी आपको वो भी दिखाएंगे कि जैसे यहाँ से हम लेके गए उसके बाद हम इसको पैक कैसे करते हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कोडिसेप्स मिलिट्रीज की हम पैकिंग करते हैं। तो जब हमने सारा का सारा इसको, आपने हेयर नेट लगा लेना है, मास्क पहन लेना है और ग्लव्स पहन लेने हैं, नए ग्लव्स यूज़ करने हैं। एक बार अगर आप मास्क यूज़ करते हो उसके बाद आपने दोबारा रीयूज़ नहीं करना है। कोडिसेप्स हमारा ड्राई हो चुका है, ठीक है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था। अब इसको पैक करने के लिए सबसे पहले आपके पास स्केल होना चाहिए।
आप स्केल यूज करोगे। जब आप ये स्केल होता है, स्केल को सबसे पहले हमने किसी भी कोटू से, अपने कॉटन से या कोई भी क्लॉथ से आपके पास साफ क्लॉथ जो कि सिर्फ आप कोर्डिसेप्स के लिए यूज करते हैं उसको करेंगे। सैनिटाइजर से पहले आप स्केल भी साफ करोगे अपना, इसको साफ कर देंगे हम सैनिटाइजर से। आप देख सकते हैं कि इसको हम सैनिटाइजर से साफ कर रहे हैं। इसको आप रखोगे, उसके बाद अपने हैंड्स को आप सैनिटाइज करोगे, क्योंकि जब आप रीपैक कर रहे हैं उससे पहले आपको सैनिटाइज अपने हैंड्स को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हमारे पास जो पैकेट्स हैं, इस टाइप के आपके पास पैकेट्स, आप कोई भी पैकेट्स ले सकते हो मार्केट से, कोई भी पैकेट। सबसे पहले आप स्केल को ऑन करोगे, स्केल को ऑन करने के बाद आप इसका वेट देखोगे, इसका वेट 10 ग्राम है तो आप इस स्केल पे इसको माइनस कर दोगे 10। उसके बाद आप इसको स्टार्ट करोगे। कैसे आपने इसको स्टार्ट करना है, कैसे इसको पैक करना है वो हम अभी आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे भी कैसे हम इसको सारे के सारे को पैक करेंगे, कैसे आपने 100 ग्राम्स का अलग बनाना है और 50 ग्राम्स के पैकेट्स अलग बनाना है। सबसे ज़्यादा जो सेल होते हैं 50 ग्राम के ही पैकेट सेल होते हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर नया आएगा वो इसके बारे में जानना चाहेगा, इसके बारे में पूछेगा, तो आप एक बार उससे को 50 ग्राम से। अब हम अपना पूरा का पूरा कॉर्डिसेप्स जितना भी था वो सारा का सारा हम यहाँ ले आए हैं, तो अब इसको आप देखो, आपको मैं दिखा रहा हूँ सबको। ये देखें स्टिक्स कितनी लंबी हैं, एक एक स्टिक 4-4 इंच की है अगर देखा जाए लगभग। अब ये ड्राई होने के बाद जब पैकेट्स में डालते हैं उस टाइम ये टूट जाती हैं, तो उसकी कोई वो वाली इतनी हेडेक वाली बात नहीं कि टूट जाएंगी तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। स्टिक पतली और लंबी होती हैं, उसका मतलब ये है कि इस कोर्डिसेप्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। आप देख सकते हैं जैसे ये एक पैकेट हमने ऑलरेडी पैक किया हुआ है पहले, तो अब वही है कि इसको हम सारे को पैक कर देंगे। अभी हमारे पास जो स्टॉक है करीबन 8 किलो का न्यू फ्रेश स्टॉक इस बार हमने अपना ग्रो किया है। अगर किसी को भी कोर्डिसेप्स चाहिए आपको रीजनेबल रेट पे हम प्रोवाइड करवाएंगे, और आगे हम इसको कोर्डिसेप्स के आपको बेनिफिट्स भी बताएंगे इसकी में। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको हम पैकेट्स में पैक कैसे करते हैं, कैसे सारा का सारा प्रोसेस आपको भी बताएंगे। आप देखें जो अभी हम अपना प्रोडक्शन लेके आए थे करीबन 2 किलो तक है ये, 2 kg तक। ये थोड़ा लाइट की वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है, ये मैं दिखा देता हूँ। अब आपने स्केल को यूज़ करना है, आपने स्केल के ऊपर इसको रखना है और आप स्केल को ऑन कर दो, ये अपने आप ही माइनस दिखा देगा। ये 9-10 ग्राम होता है, अगर ये माइनस भी 9 हो जाता है तो आपने क्या करना है, जैसे ऊपर फैन चल रहा है तो उसकी वजह से ये थोड़ा वो हो जाता है, तो आपने इसके अंदर लगभग 52-55 ग्राम कोर्डिसेप्स हम इसमें के अंदर डालते हैं, ताकि पैकेट्स की वजह से कोई ये ना बोले कि हाँ भाई इसके अंदर पैकेट के वजन के साथ डाल दिया आपने। तो आप कोई भी पैक करें तो उसमें ट्राई करें 2-3 ग्राम एक्स्ट्रा डालने का, तो हमेशा आपने ऐसे ही करना है। इसका सिंपल वे है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कैसे आपको वो भी पैक करना है। इसको आप खोलेंगे, उसके बाद आपने इसमें से इसको डालना शुरू करना है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था टोटली जो हमने इसमें 55 ग्राम कर दिया है, अगर अभी मैं स्केल को बंद कर देता हूँ
इसको आप नीचे उतार लो। और जब हम इसको फ्रेश डालेंगे तो नियरली 64 ग्राम हो गए हैं। तो जो 10 ग्राम जो पैकेट्स का वेट था वो भी आ जाता है। सम टाइम स्केल 1-2 ग्राम ऊपर नीचे कर देता है मिली, ठीक है। इसको आपने ऐसे पैक कर देना। पैक करने के बाद जो ये है हमें यहाँ से इसको एयर टाइट करना है। एयर टाइट करने के बाद वहाँ जो इसकी मशीन लगी है, आप चाहते हैं तो इसको पैक कर सकते हैं। इसको हमने एयर टाइट करना है। देखिए यहाँ से एयर टाइट हो जाएगा। ये एयर टाइट होने के बाद जो ये वाली मशीन है ये सिंपल वो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो सिंपल पैकिंग कैसे करते हैं। इसको हमने ऑन कर दिया है। ये इसके ऊपर सील लगाने के लिए होती है। इसको हमने एयर टाइट यहाँ से बंद करना है पहले। ये देखिए यहाँ से चैन का ये, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। ये जैसे कि हमने अभी इसको बंद कर दिया, यहाँ से ऊपर से कवर कर दिया। कवर करने के बाद आपने सिर्फ इसको ऐसे दबाना है, यहाँ दबा के अपने हैंड से इसको आप यहाँ से ऐसे पकड़ो, इसको इसके अंदर डालेंगे हम। बस ये यहाँ से हमारी सील लग गई है। इस तरीके से आप इसको एयर टाइट कर सकते हो। एयर टाइट करने के बाद जो हमारे स्टिकर होते हैं उसके ऊपर आप अपना स्टिकर लगा सकते हो। कोई भी हमसे अगर होलसेल में लेना चाहता है तो हम उसको लाइक ऐसे ही इस पैकेट के अंदर दे देंगे पैक करके। उसके ऊपर हम कोई स्टिकर नहीं लगाएंगे। आप कोई भी अगर हमसे जुड़ कर काम करना चाहता है कीड़ा जड़ी के लिए तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और उसको बड़े रीजनेबल प्राइस पर हम होलसेल के रेट पर दे देंगे। ये एज अ कैप्सूल फॉर्म है जो हमारे पास है। इसके अंदर साइनेसिस प्लस मिल्ट्रीज दोनों को मिक्स करके हमने अपना ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर साइनेसिस के पीस हैं जो हम साइनेसिस के सेल करते हैं। साइनेसिस जो हमारे पास मिलता है वो 1000 रुपये ग्राम तक मिलता है। तो ये है। और दूसरा क्या है कि कैप्सूल की मशीन आपको लेनी पड़ती है। जैसे ये मशीन है, ये कैप्सूल की मशीन है। अगर आपके पास कैप्सूल के ऑर्डर आते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में कोशिश करें ना इसको सेल करें, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कीड़ा कोडिसेप्स। तो होप आप सबको लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जब आपके सारे के सारे पैक हो जाते हैं ऐसे, उसके बाद आपने इसको स्टोर करना है, रख लेना है। जैसे कि अभी हमारे पास एक ऑर्डर आया था 250 ग्राम का, तो हमने उसको 250 ग्राम ऐसे पैक कर दिया है। ये एक पैकेट है, इसके ऊपर दूसरा है। इसके अंदर वाला जो पैकेट है वो 250 ग्राम का है और इसके ऊपर एक और एनवलप चढ़ा के इसको ऐसे एयर टाइट करके आपने रखना है। और ये सारे के सारे जितने भी हैं आपने सब के सब के ऊपर स्टिकर लगाने हैं। स्टिकर लगाने का भी आपको मैं तरीका बता दूंगा कैसे लगाना है। ये ऐसा है सारे सारे। आपने स्टिकर खोलना है और इसके ऊपर लगा देना है ऐसे। स्टिकर लगाने के लिए आप ऐसे स्टिकर खोल लो। ये जैसे पैकेट है, पैकेट के ऊपर आपने इसको यहाँ ऐसे लगाना है। लगाने के बाद
सीधा सिंपल। ये हमारा पैकेट तैयार हो गया। इसी तरीके से आप सारे की सारी जितनी भी हैं सब पे अपने स्टिकर लगाएंगे, स्टिकर लगा के इसको पैक कर देंगे। आज जो मैंने आपको कीड़ा जड़ी के बारे में जो नॉलेज दी है और इसका ड्राई करने का जो प्रोसेस दिखाया है, होपफुली आपको आज ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये चैनल हमने किसान साथियों के लिए बनाया गया है। इस चैनल के माध्यम से हम धीरे 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 कीड़ा जड़ी की फ्री ट्रेनिंग वीडियो भी इसके ऊपर हम अपलोड करेंगे और आने वाले 6 से 7 महीने में केसर की भी वीडियो इस पर अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।